Hey everyone, once again welcome back to our channel. This is Rahul Dawood and you're watching Rahul Dawood Official. So इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने मोस्टली उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट अपडेट दिया था आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट के बारे में. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में रिजल्ट अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं. साथ ही में रिसेंटली मैंने खुद चेक करा था, उसमें एक पोस्ट जारी किया गया था, तो वो पोस्ट भी आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा रिजल्ट के बारे में. वो पोस्ट थी साथ ही में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, which is about online admission process. As everyone and everybody and each one of person know that online admission process is still going on till 31st October 2022, and you can enroll yourself till 31st October 2022 except final year student जिनके examination अभी done हुए हैं और result के लिए वो अभी appear कर रहे हैं या result उनका declare होने वाला है. जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, बीए या बीकॉम, बीएससी, अगर उन्होंने अपने नेक्स्ट ईयर में अपने एडमिशन नहीं कराए हैं तो आप करवा सकते हैं प्रोविजनल बेसिस पे. मैं ये थर्ड वीडियो है जो इंस्ट्रक्शन में शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आप सभी लोगों ने अपने एसएमएस चेकआउट करे होंगे. उसमें बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2022 से पहले आपको एडमिशन करवाना है. प्रोविजनल बेसिस पे आप एडमिशन करवा सकते हैं. रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए बिकॉज यूनिवर्सिटी में मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है, विदाउट रिजल्ट डिक्लेयर्ड आपको एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है. और बहुत सारे स्टूडेंटों को एडमिशन फॉर्म फिलअप में इश्यू आ रहे हैं. मैंने चेकआउट करा था, बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास, दैट्स वाई क्यू एन ए टाइप की वीडियो हो सकती है. तो मोस्टली स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन आए थे, फॉर्म फिलअप हो गया, पेमेंट कट गई है, बट हमारे पास प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हुआ है. तो देन दैट केसेस में आप सभी लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आप मेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को admission@uu.ac.in. आप स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यूज़ कीजिए, ठीक है. मेल आपको या फिर मेल में रेफरेंस नंबर अगर मिला है तो दैट्स ऑल राइट, एंड अदरवाइज आप SMS चेकआउट कीजिए, ठीक है. एंड मैंने बता दिया कि आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना admission@uu.ac.in में, साथ ही में आपको स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम जरूर यूज़ करना है. आप स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यूज़ कीजिए, उसमें अपनी क्वारीज को मेंशन कीजिए. साथ ही में जैसे आप मेल करेंगे यूनिवर्सिटी को, उसमें आपको सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन करना है. ये नहीं कि आपने शॉर्ट दे दिया और मेल कर दिया, ऐसा नहीं करना है. आपको जो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, पेमेंट किया है आपने, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो आपको अटैच करना है, मेंशन करना है कि मैंने एडमिशन करवाया है बट मुझे मेरा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टूडेंट वर्ल्ड व्यू में अपडेट नहीं हुआ है, रेफरेंस नंबर नहीं मिला है. सो वहाँ से आपको एक रिसीविंग मेल आएगी, उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी आपके एडमिशन कन्फर्मेशन के बारे में. सो आप सभी लोगों को यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं. मेक श्योर एडमिशन अगर आप करवा रहे हैं तो अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी है अगर आपके पास, तभी यूज़ करें बिकॉज काफ़ी टाइम सर्वर इशू रहता है तो उसमें भी आपके इशू हो सकते हैं, पेमेंट इशू हो सकती है, दे आर लॉट ऑफ इशू. सो Q&A शायद वीडियो लंबी हो सकती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के आ रहे थे विंटर सेशन एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट के बारे में. असाइनमेंट प्रोबेबली दिसंबर 2022 स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड एग्जामिनेशन जो होंगे विंटर सेशन के Jan-Feb 2023 में आपको देखने को मिलेंगे. बहुत जल्द इसमें आपको ब्रीफ वीडियो मिल जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल बिकॉज लॉट्स ऑफ अपडेट आते हैं वो हमारे चैनल पे फर्स्टली आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे. अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन था बैक फॉर्म कब आएंगे, बैक असाइनमेंट फॉर्म कब आएंगे. तो दिसंबर में ही आपके बैक फॉर्म और बैक असाइनमेंट फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द रिजल्ट 2022 सितंबर 2021 सेशन एंड जनवरी 2022. रिजल्ट जानने से पहले काम की खबरों की चेक करेंगे. काम की खबरों में आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम जारी, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यूयू की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी होना शुरू हो गए हैं. इसमें आपका MA राजनीति विज्ञान, BBA, BCOM और BA योगा का परिणाम जारी कर दिया गया, तो फाइनल ईयर वाले चेकआउट कर सकते हैं. अन्य विषयों के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे. तो अब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे BA फाइनल ईयर का रिजल्ट कब आएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी बारे में थे BA के रिजल्ट कब आएंगे.
सो बीए परिणाम फाइनल ईयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बीएससी फाइनल ईयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रेजुएट लेवल आपका, क्योंकि पीएससी के दो जो पटवारी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि ग्रेजुएट पोस्ट जारी किए गए हैं और लास्ट डेट इसकी 4 नवंबर 2022 फॉर्म फिलिंग की हो सकती है। सो ऐसे में उससे पहले रिजल्ट आना इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा और बट फिर भी जैसे अन्य बीएससी का है तो उसके लिए भी आप सभी लोगों को यही करना है, बीए फाइनल ईयर वाले जितने सारे अभ्यर्थी हैं प्लीज़ यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए कि रिजल्ट जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करे। मैंने पहले भी वीडियो में भी मेंशन किया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, जितने ज़्यादा मेल जाएंगे यूनिवर्सिटी को उतनी ज़्यादा आपका जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, टाइम भी हो गया रिजल्ट डिक्लेयर का और फाइनल ईयर का भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो प्रीवियस रिजल्ट मैंने आप सभी लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की थी रिज़ल्ट अपडेट की, वही रिज़ल्ट जारी किए गए हैं लेकिन आपको कुछ दिनों के अंतर्गत आज की डेट में भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा रिज़ल्ट आउट होने के बाद, साथ ही में कल की डेट में जैसे ही रिज़ल्ट आउट होंगे तो उसमें भी मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे बैक वाले अभ्यर्थी चेक कर रहे थे बैक पेपर का, तो अभी आपको देखने को मिलेगा सितंबर 2021 सेशन में किसी का भी बैक का रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी 2022 में बैक का रिज़ल्ट जारी किया गया है BAY बैचलर ऑफ आर्ट्स योगा का एंड BCom 16 का, BCom 17 का, BYN 12 का, BYN 16 का, MAPS 16 का, MAPS 17 का, MAPS 20 एंड MAPS 21 का, तो जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वारीज कर रहे थे। साथ ही जैसे मैंने बताया कि BA फाइनल ईयर का रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा और वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। साथ ही जितने सारे विंटर सेशन के छात्र हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए भी मैं इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहूँगा, आप लोग भी अपनी स्टडी करते रहिए, बहुत जल्द आपको असाइनमेंट की जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद फिर आपका Jan 5 2023 में एग्ज़ामिनेशन आयोजित किया जाएगा, तो टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास भी, जस्ट 2 से 3 मंथ बचे हुए हैं, तो आप लोग भी अपने एग्ज़ामिनेशन की स्टडी करते रहिए और साथ में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर कर रहे हैं तो कुछ समय उसके लिए भी निकाल के अपने एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रैटेजी बना के रखिए, बिकॉज एंड ऑफ द टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं लेकिन हमें उन प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही उसका सॉल्यूशन अपने पास अल्टरनेटिव रखना है। तो आप सभी लोगों के साथ में यही मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि बाद में टाइम नहीं बचता है, आप लोग अपने एग्जामिनेशन की अभी से तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, UU में दाखिले की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर है, आप लोगों को मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन सत्र में दाखिले जारी हैं अभी, ऑनलाइन एडमिशन इज स्टिल गोइंग ऑन, 31 अक्टूबर तक दाखिले की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी रहेगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है www.uu.ac.in, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेश न्यू प्रोग्राम में अगर आप बी ए बी एस सी बी कॉम व एम ए एम एस सी एम कॉम व अन्य प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया अभी जारी है, 31 अक्टूबर 2022 से पहले आप एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो, इफ यू थिंक दिस वीडियो गोना हेल्पफुल फॉर यू डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट फॉर मोर रेगुलर अपडेट। फर्स्टली स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।